रही हूँ। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीआर के बारे में। जब आप पीआर के लिए, कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करते हो तो आपको कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो आज की वीडियो में बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए। वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखें ताकि आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके, आपको पता चल सके कि आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए जब आप कनाडा की पीआर के लिए अप्लाई करो। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली सारी वीडियो, सारी नई जानकारी सबसे पहले आप देख सकें। अब हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि कनाडा की पीआर के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आपको बता दूं कि कनाडा की पीआर के लिए आपके पास जो मेन डॉक्यूमेंट चाहिए वो है ईसीए रिपोर्ट। अब काफी लोग ऐसे हैं जिनको ईसीए रिपोर्ट के बारे में नहीं पता होता, कैसे करवानी है, कैसे होती है, तो उसके बारे में सारी जानकारी आपको मैं इस वीडियो में देने जा रही हूं। ये जो ईसीए रिपोर्ट है इसमें क्या है कि रेफरेंस नंबर होता है। इसकी जरूरत कब पड़ती है, जब एक्सप्रेस एंट्री की प्रोफाइल आप बनाते हो तो उसमें उस नंबर की एंट्री की जाती है, इसीलिए ईसीए रिपोर्ट की जरूरत पड़ती है। अब काफी लोग पूछेंगे कि ईसीए होता क्या है, तो ईसीए की फुल फॉर्म होती है जी एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट। तो इसमें क्या होता है कि जो भी आपने अपने होम कंट्री में अपने प्लस टू के बाद डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं या फिर कोई सर्टिफिकेट लिया हुआ है, तो अगर आप उन डिग्री डिप्लोमा के एक्स्ट्रा पॉइंट क्लेम करना चाहते हैं तो क्या है, कनेडियन गवर्नमेंट को आप बताओगे कि आपने अपनी होम कंट्री में डिग्री या डिप्लोमा किए हुए हैं। लेकिन कनेडियन गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा कि आपके डिग्री या डिप्लोमा उनके कनेडा में वैल्यू रखते हैं या नहीं रखते, क्या आपने किया हुआ है, कनाडा गवर्नमेंट कुछ नहीं जानती। तो इसके लिए क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, आपकी जितनी भी डिग्री की हुई है या आपने डिप्लोमा किया हुआ है या फिर कोई भी सर्टिफिकेट आपने लिया हुआ है, उन सारे सर्टिफिकेट को आप क्या करोगे, उस ऑर्गेनाइजेशन को भेजोगे। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो डिटेल में चेक करेगी आपकी डिग्री और डिप्लोमा को कि आपके ये डिग्री और डिप्लोमा कनाडा में क्या वैल्यू रखते हैं, और इसी प्रोसेस को ईसीए कहा जाता है। और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये सारे आपके डिग्री और डिप्लोमा को इवेल्युएट करती है और आपको एक रिपोर्ट बना के देती है। इस रिपोर्ट को क्या कहते हैं, इक्विवेलेंस रिपोर्ट। तो इसमें क्या है, इस रिपोर्ट में लिखा होता है कि आपके उसके हिसाब से नहीं लिखा होता है, आपको पॉइंट दिए जाते हैं आपकी रिपोर्ट आपके डिग्री और डिप्लोमा के अकॉर्डिंगली। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से ही आपको पॉइंट मिलेंगे। क्या इस रिपोर्ट में लिखा होगा कि आपकी जो डिग्री डिप्लोमा है कनाडा में बैचलर के बराबर है या फिर मास्टर के बराबर है, तो उसी हिसाब से आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिल जाएंगे। तो इसी को पूरा पूरा होता है ईसीए प्रोसेस, इसी तरह आप ईसीए रिपोर्ट लेते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो ईसीए करती है। तो क्या है, कनेडियन इमिग्रेशन ने पांच ऑर्गेनाइजेशन है उनको डेजिग्नेटेड किया है ईसीए करने के लिए। ये कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है उसके नाम मैं स्क्रीन पे दे रही हूं, आप उन्हें डिटेल में देख सकते हैं क्या क्या नाम है उन ऑर्गेनाइजेशन के। इन पांच ऑर्गेनाइजेशन से आप अपनी ईसीए करवा सकते हैं, वो नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं। तो ये भी ईसीए का पूरा प्रोसेस। अब हम बात करते हैं कि ईसीए के लिए आपका कितना खर्चा आएगा। खर्चे की बात करें तो $200 से लेकर $220 तक इसकी फीस होती है, और जो डिलीवरी चार्जेस हैं वो $40 से लेकर $50 तक होते हैं। तो आप टोटल करके खर्चा अंदाजा लगा सकते हैं कि आपका कितना खर्चा ईसीए करवाने में आएगा। अब तो खर्चे की बात हो गई, अब बात करते हैं हम मेन डॉक्यूमेंट की। ईसीए करवाने के लिए आपके कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। सबसे पहले तो आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होना जरूरी है, जो भी डिग्रीज या डिप्लोमा आपने किए हैं उसके सर्टिफिकेट आपके पास होने चाहिए, और ओरिजिनल आपके पास मार्कशीट भी होनी चाहिए। और उसके साथ काफी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो क्या है, आपसे आपका आईडी प्रूफ मांगती है, तो आपके पास आपका आईडी प्रूफ होना भी जरूरी है। तो ये डॉक्यूमेंट है जो ईसीए के लिए जरूरी होते हैं।
तो ये सारी जानकारी थी ईसीए के बारे में, यही मेन डॉक्यूमेंट है जो आपके पास चाहिए आपका पीआर अप्लाई करने के लिए। तो आप इस तरह अपने ईसीए करवा सकते हैं। और फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, आप हमसे कोई बात करना चाहते हैं वीजे के रिगार्डिंग, कनाडा के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप फ्री माइंड हमारे पीछे दिए नंबर 9882950 पे कॉन्टेक्ट करके हमसे बातचीत कर सकते हैं, क्योंकि हम आपकी हेल्प करना चाहते हैं, हम आपको सीधा रास्ता दिखाना चाहते हैं तो कैसे कनाडा पहुंच सकते हैं। किसी तरह का कोई धोखाधड़ी नहीं किया जाता, आपको जो भी जानकारी दी जाती है कैनेडियन गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंगली ही दी जाती है। जो इमिग्रेशन से जानकारी आती है कैनेडियन इमिग्रेशन की तरफ से वही आप तक पहुंचाई जाती है। सो प्लीज वीडियो को ज्यादा लाइक और शेयर भी जरूर करें, ताकि जिन तक ये वीडियो, जिनको ये इस वीडियो की जरूरत है, ये जानकारी उनको चाहिए, तो वहां तक ये जानकारी जरूर पहुंचनी चाहिए। थैंक यू।